आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सिविक्स का थर्ड चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी से क्या समझ में आता है वो हम पूरा चीज़ पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी आप शुरुआत से चलते हुए पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर पहले मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, स्टोरी हो सकता है आपने सुना भी हो। ये ओलंपिक गेम्स की है। तीन लोग थे, तीनों में कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, किसी को गोल्ड मिला, किसी को ब्रॉन्ज मिला, किसी को सिल्वर मिला। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि उसमें लोग इनाम लेने जाते हैं। लेकिन जो इनाम लेने गए यहाँ पर, मैं अभी सब पूरे नाम सहित आऊंगा, उन लोगों ने एक प्रोटेस्ट टाइप किया, एक हाथ ऊपर किए, मुट्ठी बांधे, सिर झुकाए, काले मोजे पहने, जूते नहीं पहने, और वो किसी चीज को अपोज कर रहे थे। क्या चीज अपोज था वो हम देखेंगे। अब क्या था उसमें कि कोई ब्लैक लोगों को, जो मतलब कि कलर से ब्लैक होते हैं या पुअर होते हैं या ब्लैक एंड पुअर होते हैं, उनके अगर खिलाफ पूरा देश अगर कुछ कर रहा हो, बेकार मानता हो, तो वो अपने कहीं ना कहीं वो दिखाएंगे। तो वो एक जगह था मैक्सिको ओलंपिक में, वहां दिखाया। ये 1968 की बात है। उससे पहले मैं ये आऊंगा कि ये आपका इस तरीके से हुआ, चाहे वो जाति के धर्म पर हो, चाहे फिजिकल अपियरेंस के धर्म चीज पर हो, चाहे वो जेंडर के रेस्पेक्ट में हो, चाहे वो रिलीजन के रेस्पेक्ट में हो, क्लास के रेस्पेक्ट में हो, फिजिकल अपियरेंस, कास्ट, जनजाति, किसी भी तरीके से हो सकता है। मतलब ये डाइवर्सिटीज है। मतलब लैंग्वेज भी अलग हो सकती है। मतलब लैंग्वेज, रीजनल, फिजिकल एक्सपीरियंस, फिजिकल अपियरेंस, क्लास, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, ट्राइब, किसी भी तरीके से डाइवर्सिटी हो सकती है। क्योंकि चैप्टर का नाम ही आपको समझ में आ गया होगा, डाइवर्सिटी के ऊपर है। एक हो जाता है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी पे किस तरीके से इफेक्ट डालती है, डाइवर्सिटी इस तरीके से हो सकती है। और हाउ डाइवर्सिटी अफेक्ट डेमोक्रेसी, तो इन कारण से डेमोक्रेसी पर किस तरीके से अफेक्ट डालती है, और डेमोक्रेसी की पे किस तरीके से अफेक्ट डालेगी। मतलब अगर दो कास्ट हैं, दो ट्राइब हैं, हो सकता है उनमें मतभेद हो, मतभेद होगा तो सोशल डिफरेंस बनेंगे, सोशल डिफरेंस होंगे तो डिवीजन हो सकता है, डिवीजन होगा इनइक्वलिटी हो सकती है। मतलब सोशल डिफरेंस होगा, डिवीजन होगा उनमें, इनइक्वलिटी होगी, तो ये किस चीज पर अफेक्ट डाल सकती है, मे एंड मे नॉट अफेक्ट द डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी रिस्पोंड करता है इन इन चीजों पर, मे एंड मे नॉट रिस्पोंड टू दिस सोशल डिफरेंस। सोशल डिफरेंस हो सकता है अगर कोई इंडिया में है या किसी और कंट्री में है या पूरे वर्ल्ड में, अगर कोई काला और गोरे पर भेद करता है, या अमीर और गरीब पर भेद करता है, या इंग्लिश और हिंदी या थर्ड लैंग्वेज में भेद करता है कि हम सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर नहीं है, पुअर और रिच में भेद करता है, तो उसके कारण से सोशल डिफरेंस हो सकता है, उसके कारण से उन दो गुटों में डिवीजन हो सकता है। कोई कास्ट के बेसिस पर भी कर सकता है, कोई धर्म के बेसिस पे कर सकता है, कोई जाति के बेसिस पे, कोई जनजाति के बेसिस पे, कोई क्लास के बेसिस पे डिवीजन हो सकता है, और उसके कारण इनइक्वलिटी आ सकती है। इसका कुल मिलाकर मतलब ये है कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंस। मतलब डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर, अंतर होता है। और एक होता है डिवीजन, डिवीजन मतलब क्या होता है, विभाजन। डिफरेंस होगा, अंतर होगा अगर किसी दो चीज में, तो डिवीजन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, मे एंड मे नॉट बी पॉसिबल दैट डिवीजन विल टेक प्लेस। इसके बाद हम, मैं वही जो स्टोरी सुना रहा था उसी को अब मैं ढंग से सुनाता हूँ। मतलब मैक्सिको ओलंपिक में 1968 में 200 मीटर की रेस हो रही थी, मैक्सिको सिटी में था, ओलंपिक में। ओलंपिक में कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, तो फर्स्ट जो आया वो था टॉमी स्मिथ, यहाँ पर मैंने नाम भी लिखा हुआ हूँ। टॉमी स्मिथ फर्स्ट आया, इसको गोल्ड मिला, सेकंड आया उसको सिल्वर मिला, पीटर नॉर्मन सेकंड आया, थर्ड आया जॉन कार्ल्स, उसको ब्रोंज मिला। मतलब इनकी स्टोरी मैं क्यों सुना रहा हूँ, कुछ ना कुछ बुक से लिंक होगा। इनकी ओलंपिक की स्टोरी मैं सुना रहा हूँ, मैक्सिको ओलंपिक की स्टोरी, यहाँ आपके सिविक्स में ये थर्ड चैप्टर में। इसका क्या लिंक है, क्यों ये मैं सुना रहा हूँ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, और भी ओलंपिक होते हैं, लेकिन इसकी स्टोरी सुनाने का एक कारण था कि वहां पर क्या ऐसा हुआ कि ये स्टोरी सुनाने की जरूरत पड़ रही है।
टॉमी स्मिथ जो फर्स्ट आया था, जॉन कार्लिस जो थर्ड आया था, जो ब्रोंज था वो अमेरिकन थे, अमेरिकन लेकिन ब्लैक थे, ब्लैक मतलब मेक्सिको के थे। और यहाँ पर सिविल राइट्स का ऑलरेडी चीजें चल रही थी, सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट, सिविल राइट्स ऑलरेडी चल रही थी कि हमें क्या राइट होना चाहिए, हमें क्या नहीं होना चाहिए, ब्लैक पावर क्या होती है, काला है तो हमें नीचा दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, या दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए। तो उनके बीचों में यहाँ युद्ध चल रहा था, युद्ध इन द सेंस के कोल्ड वॉर बोल सकते हैं, या आपसी मतभेद चल रहा था। तो फर्स्ट और थर्ड वाले ने जो था उसने अपना हाथ उठाया, वन हैंड्स अप एंड हेड बोर्ड और क्लेंस्ड फिस्ट अपरेज्ड, मतलब मुट्ठी बांध कर ऊपर उसने उठाया, और उसके बाद थर्ड वाले ने भी उठाया। और उस समय चल रहा था राष्ट्रीय गान अमेरिका का, मतलब अमेरिकन नेशनल एंथम वॉज प्लेड। तो ये चीज वो क्या दर्शाना चाह रहे थे अभी किसी को समझ में नहीं आया था, लेकिन जो सेकेंड आया था वो पीटर नॉर्मन, वो व्हाइट था, वो ब्लैक नहीं था। ये फर्स्ट और थर्ड वाले ब्लैक थे, फर्स्ट और थर्ड वाले मतलब टॉमी स्मिथ और जॉन कार्ल्स ब्लैक थे, और सेकंड वाला ब्लैक नहीं था, लेकिन वो इसका सपोर्ट करने के नाते एक बैच लगाया था, अपनी टी शर्ट पर एक बैच लगाया था। बैच किस चीज का था, सिविल राइट मूवमेंट, मतलब ये जो इनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। और जो फर्स्ट थर्ड आए थे वो काले मोजे पहन कर आए थे, वो ब्लैक थे, वो शूज पहनकर नहीं आए थे, वो अफ्रीकन अमेरिकन थे। मतलब जो अफ्रीकन अमेरिकन क्या होते हैं, जो दास बनाकर कभी वाइट वाले ले आए और उनसे स्लेव, स्लेव बोलते हैं, दास बोलते हैं, मजदूरी करा रहे हैं, उनसे बंधुआ मजदूरी टाइप करा रहे हैं, वो अफ्रीकन अमेरिकन से कराया जा रहा था। तो ये ब्लैक, वो ब्लैक पावर को दिखा रहे थे। ब्लैक पावर का मतलब क्या कि हम काले हैं लेकिन हम एक साथ हैं और हम इस युद्ध के खिलाफ हैं, आप लोग जो हमारे ऊपर जातीय मतभेद करते हैं, मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, यूएस में जो चल रहा था उसको हम अपोज कर रहे हैं। अब इसको अपोज करने से क्या हुआ, अपोज करने से ये हुआ कि वहां पर सभी वो दोनों फर्स्ट और थर्ड वाले अपोज कर रहे थे, फिर ऑस्ट्रेलियन पीटर जो थर्ड जो सेकेंड रैंक का था, ऑस्ट्रेलियन था, वो ऑस्ट्रेलिया का होकर वो उनको सपोर्ट कर रहा था। मैं कंट्री भी इसलिए बता रहा हूँ कि एक अफ्रीकन अमेरिकन था, एक ऑस्ट्रेलियन था, लेकिन वो सपोर्ट कर रहा है, वो वाइट था, ये ब्लैक का सपोर्ट कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा लिंक होगा, आगे आगे कंफ्यूजिंग होगा थोड़ा सा, इसलिए ध्यान से सुनते जाना। पीटर नॉर्मन नाम था उसने, मैंने बता दिया कि राइट ह्यूमन बैज ऑन द शर्ट, शर्ट के ऊपर ह्यूमन राइट का उसने बैज लगाया था, मतलब वो उनको सपोर्ट कर रहा था। अफ्रीकन अमेरिकन के बारे में बता दिया कौन थे, कब आए थे, एज अ स्लेव बिटवीन 17th एंड 19th सेंचुरी के बीच में जो भी आए थे, उनको लाया गया था, उनको काम करवाने के लिए लाया गया था, वो अफ्रीकन अमेरिकन थे। तो वो हाथ ऊपर किए, जूते नहीं पहने, काले मोजे पहने, नेशनल एंथम चल रहा था, वो स्पोर्ट्स वाला मैदान था, लेकिन ये पॉलिटिक्स कुछ दिखा रहे थे। तो पॉलिटिक्स क्या दिखा रहे थे पूरे चैप्टर में, इसी के ऊपर है कि हम काले हैं, हम गरीब हैं, या हम क्या हैं, हमारे ऊपर प्रताड़ित किया जाता है, तो हमें मिलना चाहिए मौका कि हमें इस तरीके से ना देखा जाए। तो ये ब्लैक पावर को दिखा रहे थे। 1966 से 1975 तक एंटी रेसिस्ट मूवमेंट वगैरह चले थे पूरे के पूरे उस कंट्री में। एज पॉलिटिकल मेडल टेकन बैक, मतलब अब ये क्या हुआ कि अफ्रीकन अमेरिकन ये चीज कर रहे हैं, मतलब वो अपने देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पोर्ट्स वाला मैदान था, वो पॉलिटिक्स चीज दिखा रहे हैं कि वहां पर पॉलिटिक्स का मतलब नहीं है, वो अपना अलग स्टेज होता है, वहां पर आप दिखाओ। लेकिन हाँ, उन लोगों ने वहां दिखाया तो कई लोगों का ये भी मत था कि वहां सही है, कोई बात सुन नहीं रहा, तो आदमी क्या करेगा, वहां दिखाएगा। लेकिन इसी कारण से जो स्पोर्ट्स कमेटी थी या पॉलिटिकल कारण से उठने के कारण उनके मेडल फर्स्ट और थर्ड वाले के वापस ले लिए गए, मतलब गोल्ड मेडल, ब्रोंज मेडल जो उनको मिला हुआ था वो वापस ले लिया गया। और ऑस्ट्रेलियन ने भी तो सपोर्ट किया, ऑस्ट्रेलिया ने सपोर्ट किया इसका ब्लैक का, या तो अफ्रीकन अमेरिकन का बोला, तो उसके कारण से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मतभेद हो सकते थे, लड़ाई हो सकती थी, युद्ध हो सकता था,
और जो भी उनके भी अपने ट्रीटी होते हैं, जो भी नॉर्म्स होते हैं, उन वो भी उस पर भी खतरा पड़ सकता था। तो नॉर्मन को बोल दिया गया कि आगे के ओलंपिक में आपको नहीं रखा जाएगा। हाँ, उसका मेडल वापस नहीं लिया गया, क्योंकि उसने एक बैच बस लगाया था, उसने सपोर्ट पूरा किया था, लेकिन उसने बस बैच एक लगाया था, तो इस कारण से उसको नेक्स्ट ओलंपिक में खेलने का मौका नहीं मिला गया, या मना कर दिया गया कि आगे से ओलंपिक में आपको टीम में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि तो आप ऐसा चीज किए हैं कि जहां पर स्पोर्ट्स खेलना चाहिए वहां पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, तो पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, इस कारण से ओलंपिक 1968 में अगर ऐसा हुआ, जो कि 1966 से 1975 तक ये चला है, 1968 में जब ऐसा हुआ तो कई लोगों का बोलना था कि जो ब्लैक थे या पूरा वर्ल्ड था या वो देश थे, उनका बोलना, कुछ लोगों का यही बोलना था कि हाँ अच्छा किए। तो ये है कि वो जिस कॉलेज से पढ़े थे, मतलब सैन जोस बोलते हैं या सैन होज बोलते हैं, सैन होज इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो उस कॉलेज से पढ़े थे, फॉर्मर स्टूडेंट थे उधर पर। तो इस कारण से 2005 में, मतलब अभी से 15 साल पहले, 2005 में 20 फुट की, जो बुक में भी आपका फोटोग्राफ इसमें है, ओरिजिनल फोटोग्राफ भी है ओलंपिक का, और आपका जो स्टैचू बनाया गया है सैन होज में फॉर्मर स्टूडेंट से, उनके ऑनर्ड में, उनको अच्छा बताने के लिए, उनको सही बताने के लिए ये उन्होंने स्टैचू बनाए थे 2005 में, जो कि 20-20 फुट की है, फर्स्ट और थर्ड वाले रैंक की तरफ इस तरीके से बनाया गया था। और उसी पोजीशन में बनाया गया कि हाथ ऊपर, मुट्ठी ऊपर, गर्दन नीचे, और शूज नहीं, ब्लैक सॉक, तो इसी तरीके से बताया गया। अब मैं इसको लिंक करूंगा, ये आपने एक स्टोरी सुन ली, स्टोरी थी आपने सुन ली, ओलंपिक की स्टोरी थी, अफ्रीकन अमेरिकन की, ऑस्ट्रेलिया की स्टोरी थी, लेकिन हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं, ब्लैक पावर बताने के लिए, हाँ, क्या मतलब कलर का जो मतभेद था उनको बताने के लिए, हाँ। तो अब ये बताना है कि किस तरीके से पूरा का पूरा पॉलिटिक्स इससे डिपेंड होता है, पूरा का पूरा देश किस तरीके से उथल पुथल हो सकता है, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे कि हमने पहले एक स्टोरी पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर के, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, अब मैं जिस जिसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहा हूँ उसको मैं एनसर्कल कर रहा हूँ। बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में इधर भी हम लोग देखेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका की प्रॉब्लम एक ही थी, दोनों जगह डिफरेंट रिलीजन्स, रीजनल डिफरेंस था, सोशल डिवीजन हुआ, लैंग्वेज डिफरेंस था, लेकिन श्रीलंका ने चाहा कि हम तो ये पूरा का पूरा हमारे अंडर में होना चाहिए, और बेल्जियम ने पावर को बांटा था, तो सोशल डिवीजन नहीं हुआ, सोशल इनइक्वलिटी नहीं हुई बेल्जियम में, लेकिन श्रीलंका में सोशल डिवीजन भी हुआ, सोशल इनइक्वलिटी भी हुई। किस कारण से? सेम प्रॉब्लम थी दोनों कंट्री में, बेल्जियम में भी, श्रीलंका में भी। बेल्जियम को अगर आप मैप कर पा रहे हो कि बेल्जियम कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको मैप में भी बताया था, और अफ्रीकन अमेरिकन कहाँ है या ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, वो भी आप देख सकते हो, वो भी लास्ट में मैं बता दूंगा कि वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर है, पूरा का पूरा मैप जहाँ पर भी होगा। तो डिफरेंस मतलब अंतर होता है, अंतर मैं इसलिए हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि अभी कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा आने वाला है, इस कारण से इसको ध्यान सुनना। डिफरेंस मतलब हो गया अंतर, सिमिलैरिटीज मतलब हो गया समान, एक समान, डिवीजन मतलब हो गया विभाजन, विभाजन किस कारण से, अगर अंतर होगा तो विभाजन होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अगर समान होगा तो विभाजन होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इस पर जोर देना, अभी मैं समझा रहा हूँ, अंतर होगा तो विभाजन हो सकता है नहीं हो सकता है, ये कैसे होगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, दो कास्ट के लोग हैं, चाहे वर्ल्ड में कहीं पर भी दो कास्ट के लोग हैं, या दो रिलीजन के लोग हैं, तो दो रिलीजन के लोग हैं, मैं एक एग्जाम्पल ले सकता हूँ, हिंदू मुस्लिम हूँ, उन दोनों में हो सकता है कि बहुत अच्छे से रह रहे हो, डिवीजन नहीं हो, वो दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हो, और दो लोग हों, जैसे कि अभी नीदरलैंड का एग्जाम्पल आएगा, नीदरलैंड कहाँ पर है वो भी देखना पड़ेगा, यूके कहाँ पर है, वहां पर क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन में भी दो लोग हैं, तो वहां डिफरेंसेस हैं दो कास्ट में, दो रिलीजन में, दो लैंग्वेज में, या इस तरीके से, और वहां पर विभाजन होने की नौबत आ गई। या सिमिलैरिटीज अगर हो तो भी हो सकता है कि विभाजन ना हो, सिमिलैरिटीज हो सकता है कि जैसे कि मैं तुमको फिजिक्स पढ़ाऊं, केमिस्ट्री पढ़ाऊं, मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो, डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक सिमिलर टॉपिक है, एक सिमिलर चीज है कि मैं आपको सिविक्स पढ़ा रहा हूँ, या आपको मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, या केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो एक सिमिलैरिटी है हम दोनों के बीच में, इसलिए डिवीजन नहीं हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि अगर मैं दूसरे फॉर्म में देखूं, मतलब
कि आप हो सकता है कि अदर कास्ट के हो, मैं अदर कास्ट का हूँ, या आप अदर रिलीजन के हो, अदर रिलीजन का मैं हूँ, और मैं फिर भी सिविक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, तो भी देखो डिवीजन नहीं है, मतलब डिफरेंसेस होते हुए भी डिवीजन नहीं है। कई जगह सिमिलैरिटी होते हुए भी डिवीजन होते हैं, अपने अपने होते हैं, एक कोई पुअर होगा, कोई रिच होगा, इसमें भी डिवीजन हो सकता है। इस तरीके से हम आगे चलते हैं। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद आ जाता है कुछ टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल टर्म्स मतलब क्या आ जाता है, एक आ जाता है ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस होता क्यों है, सोशल डिफरेंसेस मतलब सोशल डिफरेंसेस किस किस बेसिस पर हो सकता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया डाइवर्सिटी किस किस बेसिस पर हो सकता है, लैंग्वेज के बेसिस पर हो सकता है, कास्ट के बेसिस में, मेल फीमेल मतलब जेंडर के बेसिस में हो सकता है, छोटा बड़ा, लंबा चौड़ा, मोटा पतला, किसी भी बेसिस पर हो सकता है आपका सोशल डिफरेंस, रिच पुअर किसी भी बेसिस पर हो सकता है, काला गोरा जैसे भी। तो एक दो चीज इसमें सोशल डिफरेंस आएंगे, सोशल डिफरेंस किस तरीके से ओरिजिन होता है, तो किस तरीके से पैदा होता है, पैदा होता है मतलब बर्थ होता है, बर्थ होता है मतलब एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, एक वर्ड आएगा एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। एक्सीडेंट ऑफ बर्थ बहुत पूछा जाता है, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है कि किस तरीके से एक्सीडेंट ऑफ बर्थ हुआ, और सोचो कि एक्सीडेंट से कैसे बर्थ हो सकता है। अब बर्थ का एक्सीडेंट का मतलब सोशल डिफरेंस के सेंस में ये है कि जिसने जन्म लिया वो अपने जन्म से इच्छा नहीं करता है कि मैं हिंदू में जाऊं, मुस्लिम में जाऊं, सिख में जाऊं, ईसाई में जाऊं, मैं क्रिश्चियन में जाऊं, मैं इंग्लिश लैंग्वेज में जाऊं, मैं हिंदी लैंग्वेज में जाऊं, क्या चीज वो एक्सीडेंट ऑफ बर्थ में है, वो इंग्लिश और हिंदी उसकी चॉइस हो सकती है, लेकिन वो किस फैमिली में मैं मेल बनूं, मैं फीमेल बनूं, उसके ऊपर नहीं होता है। तो जो भी चीज बर्थ के टाइम पर उसके ऊपर नहीं होता वो एक्सीडेंट ऑफ बर्थ कहलाता है। एक्सीडेंट ऑफ बर्थ मतलब हो गया वो मेल है या फीमेल है, वो उसके ऊपर नहीं है, छोटा बने, बड़ा बने, कॉम्प्लेक्शन कैसे हो, गोरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, फिजिकल एबिलिटी भी उसकी डिसेबल भी हो सकता है, इनेबल भी हो सकता है, और उसके एथिनिसिटी मतलब आप जान रहे हो कि वो किस जाति में, किस धर्म में, किस रिलीजन में वो पैदा होगा, वो उसके ऊपर नहीं है, नहीं है तो उसी को एक्सीडेंट ऑफ बर्थ बोल दिया गया, कि उसको नहीं पता कि वो किस जगह जन्म लेगा। लेकिन जन्म लेने के बाद उसके ऊपर होता है कि वो पूजा करे या ना करे, मतलब आस्तिक हो या नास्तिक हो, ये पूरा आपके किताब में लिखा हुआ है, आस्तिक हो या नास्तिक हो ये चीज हो सकता है, एथिस्टिक हो, व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, उनके चॉइस हो सकते हैं, मैं दो अलग अलग रिलीजन में पैदा हुए लेकिन वो दोनों एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, दोनों को मैथ्स अच्छा लग सकता है, दोनों को सिविक्स अच्छा लग सकता है, वो उनकी बाय चॉइस है। मतलब एक तो हो गया एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, एक हो गया बाय चॉइस, वो एक जैसे गेम्स खेल सकते हैं, एक जैसे ऑक्यूपेशन हो सकते हैं, एक जैसे कल्चरल एक्टिविटीज हो सकती है। मतलब ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंस दो तरीके से होते हैं, या तो वो जन्म से हो या अपनी इच्छा से हो, दो तरीके से ही हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ेंगे सोशल डिफरेंस। मैंने अभी भी बता दिया सोशल डिफरेंस होने के कारण, मतलब सोशल डिफरेंस है चाहे वो एक्सीडेंट ऑफ बर्थ के कारण से हो या बाय चॉइस के कारण से हो, उन हो सकता है कि सोशल डिवीजन हो और हो सकता है सोशल डिवीजन ना हो, दोनों कंडीशन है। अब समझ में आ रहा होगा कि सोशल डिफरेंस है मतलब वो दो कास्ट के हैं या दो गेम्स के हैं उसमें सोशल डिवीजन, एक को क्रिकेट पसंद है, एक को फुटबॉल पसंद है, सोशल डिवीजन है, मतलब आपको बाय चॉइस हुआ तो हो सकता है सोशल डिवीजन फिर भी ना हो, दोनों इंसान है, दोनों इंडियन है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, एक को क्रिकेट पसंद है, एक को फुटबॉल पसंद है, हो सकता है सोशल डिवीजन हो सकता है। तो इसका कारण से ये हुआ कि सोशल डिवीजन के कारण, सोशल डिफरेंस के कारण से सोशल डिवीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो डिफरेंट सोशल ग्रुप, मतलब डिफरेंट सोशल ग्रुप के हो, वही मैं बोला हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई, और चारों को मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है, मतलब डिफरेंट सोशल ग्रुप के हैं और सिमिलैरिटी हो सकती है, हाँ हो सकती है। लेकिन आपको ये एग्जांपल्स नहीं देना है, ये मैंने अपने मन से समझाने के लिए बोला। अब आपको एग्जाम्पल क्या देना है, अभी मैंने जो स्टोरी सुनाया था वो स्टोरी लिखना है बस, और कुछ नहीं है। कि डिफरेंट सोशल डिफरेंस है, सोशल डिफरेंस किस तरीके से, कुछ वो आपके वाइट थे और कुछ ब्लैक थे। वाइट कौन कौन से, वाइट कौन था आपका, नॉर्मन था जो ऑस्ट्रेलिया का था, ब्लैक कौन था आपका, चार्ल्स था, स्मिथ था,
ये दोनों सिमिलर के थे और ये डिफरेंट के थे, मतलब डिफरेंट सोशल ग्रुप का है लेकिन इनका सिमिलर मोटो है कि वहां पर ब्लैक को प्रताड़ित किया जा रहा है। ब्लैक गरीब भी हो सकता है, ब्लैक अमीर भी हो सकता है, कुछ भी है, लेकिन वो ब्लैक के खिलाफ था, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे उनके खिलाफ था। दोनों डिफरेंट सोशल ग्रुप के थे और कॉमन मोटो था उनका, मेन चीज समझने वाली ये चीज है, डिफरेंट सोशल ग्रुप के थे लेकिन कॉमन मोटो था। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो अभी बीच में भी रोक सकते हो, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ कि सेम रिलीजन के हैं, सेम रिलीजन के हो सकते हैं, दोनों हिंदू हो सकते हैं, दोनों क्रिश्चियन हो सकते हैं, दोनों मुस्लिम हो सकते हैं, कुछ भी है, तो सेम रिलीजन के हैं और नॉट बिलोंग टू सेम कम्युनिटी, हो सकते हैं कम्युनिटी के नहीं, डिफरेंट कास्ट हो। डिफरेंट कास्ट हो का मतलब क्या है कि हिंदू में भी कई तरीके के कास्ट होते हैं, मुस्लिम में भी कई तरीके के कास्ट होते हैं, सेम रिलीजन है लेकिन डिफरेंट कास्ट हो, ये हो सकता है, और डिफरेंट रिलीजन हो, डिफरेंट रिलीजन हो, हिंदू मुस्लिम हो, और सेम कास्ट हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि कास्ट के किसी भी तरीके से होते हैं, एससी एसटी ओबीसी, इस तरीके से कास्ट सेम भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट रिलीजन है बट सेम कास्ट और क्लोज टू ईच अदर। डिफरेंट रिलीजन है हिंदू मुस्लिम और सेम कास्ट के हैं अगर, या सिख ईसाई है सेम कास्ट के हैं अगर, तो उनमें दोस्ती हो सकती है। अब क्या है, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये भी आपकी बुक का है, कि रिच पर्सन है एक पुअर पर्सन और सेम फैमिली का है, मतलब एक अमीर है एक गरीब है, सेम फैमिली का है, तो उनमें हो सकता है कि रिलेशन अच्छे नहीं हो। दो रिच पर्सन हो अलग अलग फैमिली के हो तो हो सकता है उसमें गुड रिलेशन हो, एक ही फैमिली में एक अमीर है एक गरीब है दोनों में रिलेशन नहीं हो सकता अच्छा। तो कंडीशन किसी भी तरीके से आ सकती है, इन शॉर्ट पूरे को मिला के बोल सकते हैं सोशल डिफरेंस हो तो जरूरी नहीं कि सोशल डिवीजन हो, सोशल डिफरेंस हो तो हो भी सकता है कि सोशल डिवीजन हो, डिफरेंट रिलीजन हो सेम कम्युनिटी हो तो सही भी हो सकता है, डिफरेंट और रिलीजन हो और सेम रिलीजन हो डिफरेंट कम्युनिटी हो तो भी हो सकता है, कई किसी भी तरीके से वाइस वर्सा ये चीजें चल सकती हैं। तो हाँ, तो इसको हम चलते हुए फिर इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि अगर समझाने के लिए फिर से कि दो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी हो, फॉर एग्जांपल कि दो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी ले सकते हो आप, दो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी हो, दोनों का काम क्या है, सेम काम है कि देश की तरक्की करना, लेकिन उनके व्यूज अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, दो पॉलिटिकल पार्टी हो उनके व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर एक ही व्यूज हो कि हमको ये काम करना है और दो पॉलिटिकल पार्टी हो तो उनके व्यूज भी एक हो सकते हैं। कुल मिलाकर इस तरीके से बात समझ लो, अगर बात समझनी है कि एक पार्टी दो पार्टी के दो व्यूज भी हो सकते हैं, दो पार्टी के एक व्यूज भी हो सकते हैं, मतलब सभी तरीके के कॉम्बिनेशंस अलाउड हैं। चलिए यहां तक हो गया, अब आ जाता है दो वर्ड, दो वर्ड अच्छे से ध्यान दे देना, अभी तक जो चीज बताया हूँ वो सब लिंक हो जाएगा। ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग, ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग, याद रखना वर्ड ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग। ओवरलैपिंग नाम से क्या पता चल रहा है कि एक के ऊपर एक, मतलब एक प्रॉब्लम थी ऊपर से दूसरी प्रॉब्लम आ गई, तो इसे हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्रॉस कटिंग मतलब कि एक प्रॉब्लम थी और दूसरी, एक कम्युनिटी में एक प्रॉब्लम थी, दूसरी कम्युनिटी में दूसरी प्रॉब्लम है, तो क्रॉस कटिंग, तो वहां सॉल्व हो जाती है, तो वहां पर सॉल्व हो जाएगा चीजें। क्रॉस कटिंग में प्रॉब्लम सॉल्व होना आसान है, इस कारण से एक के एक दूसरे को क्रॉस कट कर दिया। ओवरलैपिंग मतलब समझ में आ रहा होगा कि एक प्रॉब्लम थी पहले से और उस पर दूसरी प्रॉब्लम भी आ गई। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल पहले ब्लैक को नीचे देखा जाता था, ब्लैक और वो बाय चांस पुअर भी हो तो दो प्रॉब्लम आ गई, मतलब एक तो ब्लैक थे ही थे और सारे ब्लैक अगर पुअर भी हो तो वो डबल समस्या हो गई, तो उसको उत्थान हो पाना बड़ा मुश्किल काम है। मतलब जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं, ये तो पूरे वर्ल्ड का एग्जांपल था, वहां पर हुआ भी ये सब इस चीज पर, ब्लैक भी है पुअर भी है तो वो ओवरलैपिंग हो गई। ओवरलैपिंग के एग्जांपल भी अभी आएगा, एक कंट्री के ऊपर आएगा कि ओवरलैपिंग क्या हुआ, नीदरलैंड के बारे में आएगा और नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में आएगा। नॉर्दर्न आयरलैंड में ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम थी, ओवरलैपिंग को मैं पहले समझा रहा हूँ, उसके बाद क्रॉस कटिंग पर आऊंगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ओवरलैपिंग को मैं पहले समझा रहा हूँ, याद रखना। ओवरलैपिंग, सोशल डिफरेंस क्या था कि वो ब्लैक थे और वाइट थे, दो थे, और ब्लैक ऊपर से पुअर भी थे, होमलेस भी थे,
तो इस कारण से डिस्क्रिमिनेटेड और ये सब पुअर थे, होमलेस थे। अगर मैं अपनी कंट्री में देखूं या दूसरे की कंट्री में देखूं या तीसरे की कंट्री में देखूं, फॉर एग्जांपल कि दलित टेंड्स टू बी पुअर एंड लैंडलेस, मतलब कि दलित को ऐसा समझा गया अगर के बाय चांस के अगर वो पुअर भी हैं, गरीब भी हैं और जमीन भी नहीं है उनके पास, तो उनके पास डबल समस्या हो गई। डबल समस्या हो गई मतलब ये सोशल डिफरेंस हो गया। सोशल डिफरेंस हो गया मतलब यहाँ पर देखते जाना है, सोशल डिफरेंस हुआ, सोशल डिफरेंस हुआ, यस। ब्लैक थे, यस। पुअर थे, यस। सोशल डिफरेंस हुआ, यस। तो उसके बाद क्या हुआ, सोशल डिवीजन भी हो जाना लगभग मे बी के वो सोशल डिवीजन तक पहुंचा दे, मे बी, याद रखना मे बी कि सोशल डिफरेंस थे, दो दो डिफरेंस थे, सोशल डिवीजन तक पहुंचाने में टाइम नहीं लगेगा, सोशल डिवीजन हो सकता है। तो सोशल डिवीजन होगा तो फीलिंग ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, तो कम्युनिटीज बनती है, दो विभाजन होते हैं। अब मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर नॉर्दर्न आइलैंड, तो मैं फिर से इस पेज में आऊंगा, लेकिन पहले मैं यहाँ नॉर्दर्न आइलैंड का एग्जांपल ले लूँ। नॉर्दर्न आइलैंड एक जगह है, ठीक है ना, वो अभी मैप में अभी देखेंगे नॉर्दर्न आइलैंड। तो पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ नॉर्दर्न आइलैंड का, नॉर्दर्न आयरलैंड ये मैप में अगर मैं देखूंगा तो आप थोड़ा लिंक कर पाओगे इस कारण से मैप में आपका नॉर्दर्न आयरलैंड ये आया, ठीक है, क्योंकि अभी ऊपर यूके है, नीचे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, वो दोनों को आपको लिंक करना पड़ेगा, इस कारण से मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरा का पूरा यूके है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ये है नॉर्दर्न आयरलैंड यूके के पास, ये यूके का पार्ट था, यहाँ पर कितने परसेंटेज कौन थे वो आएगा, और नीचे है आयरलैंड। अब आयरलैंड नीचे है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है और ये यूके है, तो इसके बारे में अभी पूरी चीज आएगी। इस नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या हुआ, नॉर्दर्न आयरलैंड में ओवरलैपिंग का केस था, मतलब एक ऐसी कम्युनिटी होगी जो कि ऊपर भी होगी नीचे भी होगी, दो कम्युनिटी में अगर डिफरेंस होगा, एक हो सकता है पुअर भी हो। तो इसमें कौन कौन सी कम्युनिटी थी, इसमें क्रिश्चियंस थे, क्रिश्चियंस में दो तरीके के लोग थे, एक कैथोलिक थे एक प्रोटेस्टेंट थे। तो ओवरलैप में मतलब डबल समस्या हो गई इनके पास, डबल समस्या क्या हो गई कि वो रिलीजन और क्लास के बेसिस पे, रिलीजन और कास्ट के बेसिस पर, जो मतलब कैथोलिक्स थे और प्रोटेस्टेंट थे, दो थे, कैथोलिक को नीचे देखा जाता था और लाइकली टू बी पुअर मतलब वो गरीब भी थे, तो इनके पास डबल समस्या हो गई। अब इस समस्या से क्या क्या चीज वो बोला गया है, वो चीज है, तो ये ओवरलैपिंग समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम क्रॉस कटिंग की तरफ। क्रॉस कटिंग में मतलब एक अगर प्रॉब्लम है तो दूसरे के कारण से वो सॉल्व हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका नीदरलैंड क्रॉस कटिंग का एग्जाम्पल है, नीदरलैंड क्रॉस कटिंग का एग्जाम्पल है, मतलब रिलीजन और क्लास के बेसिस पर वो चीज आया, लेकिन वहां पर अमीर और गरीब जो भी थे, रिलीजन और क्लास दोनों थे जिसके कारण से मतभेद थे, लेकिन पुअर और रिच उसमें इक्वल थे, इसलिए क्रॉस कट हो गया। तो यहाँ पर क्रॉस कट वाली सिचुएशन में क्या होता है, वहां पर प्रॉब्लम सॉल्व होना थोड़ा सा आसान होता है, मतलब आसान होता है एज कम्पेयर टू ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में डबल समस्या है। अब जैसे कि अब आप देख लो कि इंडिया, बेल्जियम, इसमें कई तरीके की कम्युनिटीज हैं, लेकिन ये एकोमोडेट कर रहे हैं, ये एकोमोडेट हो रहे हैं, अच्छे तरीके से रह रहे हैं, बेल्जियम में भी रहे हैं, कई तरीके की कम्युनिटी थी, लेकिन वहीं पर देख लो कि श्रीलंका में देख लो तो वहां पर आपका सिविल वॉर होने के चांस तक थे, और चांस तक क्या हुए भी थे, कई लोग मारे भी गए थे, तो वहां सिविल वॉर होने के चांस थे कि ओवरलैपिंग हो रही थी वहां पर। तो इंडिया एंड बेल्जियम में डिफरेंट कम्युनिटीज होने के साथ भी ये इनको दिक्कत नहीं हुई। अब दूसरी चीज अगर जर्मनी की तरफ देख लो या स्वीडन की तरफ देख लो, तो यहाँ पर होमोजीनियस लोग हैं, होमोजीनियस मतलब कि एक ही तरीके के लोग हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, ये नहीं कि वहां पर प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग और आपका क्रॉस कटिंग में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ रहे थे कि सोशल डिवीजन हुआ मतलब कि पॉलिटिक्स में, सोशल डिवीजन में क्या भागीदारी होती है, पॉलिटिक्स में सोशल डिवीजन होना चाहिए कि नहीं, या सोशल डिवीजन में पॉलिटिक्स होनी चाहिए कि नहीं। अगर सोशल डिवीजन मतलब विभाजन हुआ, डिवीजन मतलब विभाजन, अगर सोशल डिवीजन हो रहा है तो वो डेमोक्रेसी में मतलब किस तरीके से इफेक्ट डालता है या क्या क्या हो सकता है।
तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है इसमें कॉम्पिटिशन होते होंगे, कई तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज होती है, एक नंबर पॉलिटिकल पार्टी, दो नंबर, तीन नंबर, सबके अपने अपने व्यूज हो सकते हैं, सबके अपने अपने मतभेद हो सकते हैं, सबकी अपनी अपनी कम्युनिटी हो सकती है। कम्युनिटी के बेसिस में कोई चाहता है कि मेरी कम्युनिटी अच्छा रहे, कोई चाहता है कि ये लोग अच्छा रहे, कोई चाहता है गरीब अमीर बने, कोई चाहता है अमीर गरीब बने, कुछ भी हो सकता है, कॉम्पिटिशन किसी भी तरीके से हो सकता है। तो उसके कारण से सोशल डिविजन भी हो सकता है, अगर दो इतने सिटी के लोग हैं, इतने लोग हैं, तो सोशल डिविजन हो सकता है। सोशल डिविजन होगा मतलब दो भागों में बात जाएगी, तो पॉलिटिकल डिवीजन भी होगा, मतलब एक कुछ पॉलिटिशियंस इसमें आएंगे, कुछ पॉलिटिशियंस इसमें आएंगे, दोनों जगह पॉलिटिशियंस आएंगे तो दोनों जगह लड़ाई होगी, लड़ाई होगी मतलब कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा मतलब ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सिविल वार हो सकता है, और मतलब सिविल वार हो सकता है, युद्ध हो सकता है, किसी भी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो क्या हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, लोग मारे जा सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, और ज्यादा अगर हुआ तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री तक पहुंच सकती है बात। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा स्टेप्स होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब पहले दो लोग होते हैं, जैसे कि दो दोस्त हैं या तो घर में भी भाई बहन है, उस तरीके से अगर लड़ रहे हैं किसी एक चीज के लिए, तो पहले बहुत प्यार से समझाया जाता है, मारपीट के समझाया जाता है, बहुत हिंसा से समझाया जाता है, प्यार से समझाया जाता है, फिर भी नहीं समझते तो अलग बात है कि फिर उन पर जो भी एक्शन लिया जाता हो उस तरीके से आप समझ सकते हो कि दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, पांच पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनमें अगर सोशल डिवीजन है तो पॉलिटिकल डिवीजन हो जाएगा, मे बी पॉसिबल के हो जाए, मे बी पॉसिबल, इसलिए बोल रहा हूँ मे और मे नॉट भी बोल सकते हो, मे और मे नॉट भी, कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब हम ये जो पढ़ रहे हैं रेंज ऑफ आउटकम, मैंने दो चीजों के एग्जांपल लिया था, एक तो नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है ना, मैंने आपको मैप में भी दिखा दिया नॉर्दर्न आयरलैंड कहाँ है, और मैं एक यूके की कहानी सुनाऊंगा यूनाइटेड किंगडम की, और एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की कहानी सुनाऊंगा। मतलब इसमें अगर आपने देखा है इसमें, तो लास्ट में आपने देखा होगा ये है मैप, मैं फिर से दिखा देता हूँ, यूनाइटेड किंगडम है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड के पास यूनाइटेड किंगडम है, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड से जुड़ा हुआ आयरलैंड है। तो अब नॉर्दर्न आयरलैंड कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, कहाँ था पहले, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट था, लेकिन कहानी ये है कि आयरलैंड चाह रहा था कि ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में मिल जाए, यूके चाह रहा था कि ये यूके में मिल जाए। तो मतलब इस तरीके से चाह क्यों रहे थे, क्योंकि यहाँ पर दो कम्युनिटी के लोग होते होंगे, दो कम्युनिटी के होंगे तो 50-50% तो होंगे नहीं, कुछ परसेंटेज में भी चेंज होगा, परसेंटेज में कैसे चेंज था कि 53% प्रोटेस्टेंट थे और 44% रोमन कैथोलिक थे, मतलब 53% प्रोटेस्टेंट थे और 44% रोमन कैथोलिक थे। नॉर्दर्न आयरलैंड में ये दो कम्युनिटी के लोग थे, 53% जो प्रोटेस्टेंट थे वो चाहते थे कि यूनाइटेड किंगडम में मिल जाए, 44% जो थे वो चाहते थे कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में मिल जाए, मतलब कैथोलिक कंट्री में मिल जाए, ये कैथोलिक थे तो बोल रहे थे कैथोलिक कंट्री में मिलेंगे, ये आपके प्रोटेस्टेंट थे तो बोलते थे यूके में मिलेंगे, पहले से वो यूके में था। तो इस तरीके से कई तरीके के वार चले, क्रिश्चियनिटी में दो जब ये विभाजन थे दोनों में ये छिड़े, कई लोग मारे गए, तो इतने पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हुए, कई तरीके के पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हुए, जो अभी मैं बता रहा था कि सोशल डिवीजन हुआ तो पॉलिटिकल डिवीजन हुआ, पॉलिटिकल डिवीजन हुआ तो कन्फ्लिक्ट हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ तो वायलेंस हुआ, वायलेंस हुआ तो डिसइंटीग्रेशन तक की बात पहुंच जाती है। तो यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन तक की बात पहुंच गई, कई लोग मारे गए, तो बाद में ये हुआ कि वो यूके के संग ही रहेगा इन 1998। इस तरीके से आप आगे भी पढ़ सकते हो। हाँ, अब हम आते हैं युगोस्लाविया की तरफ। युगोस्लाविया में क्या हुआ, इसकी कहानी भी वही है, सेम चीज है कि एक देश था, बहुत बड़ा देश था, देश में देखिए हैप्पी नहीं थे लोग, तो इसमें भी कुछ हुआ, पॉलिटिकल डिवीजन हुआ, वही सीक्वेंस है, मतलब कि सोशल डिवीजन हुआ, सोशल डिवीजन से पॉलिटिकल डिवीजन हुआ, पॉलिटिकल डिवीजन से कन्फ्लिक्ट हुआ, कन्फ्लिक्ट से ये चीज हुआ, तो युगोस्लाविया 6 कंट्रीज में बढ़ गया। आज के डेट में युगोस्लाविया कंट्री नहीं है, वो 6 कंट्रीज में बढ़ गया, मतलब पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन हुआ, रिलीजियस अलग अलग थे, इथेनिक लाइन से, डिसइंटीग्रेशन ऑफ 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज, 6 कंट्रीज में ये बढ़ गया। 6 कंट्रीज से बढ़ने के बाद क्या हुआ, लोग अपने अपने कंट्रीज में रहने लगे, डिसइंटीग्रेशन हो गया, विभाजन हो गया, उन 6 में लड़ाई है। तो सम पीपल कंक्लूड दैट, मतलब कि कुछ पीपल कंक्लूड क्या करते हैं कि सोशल डिवीजन है अगर तो एंड पॉलिटिकल डिवीजन शुड नॉट बी मिक्स, मतलब सोशल डिवीजन है मतलब अगर कुछ विभाजन है तो पॉलिटिक्स से वो मिक्स नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स अगर मिक्स होगा तो मे और मे नॉट, मतलब कि होगा
तो ये भी हो सकता है कि कंफ्लिक्ट हो, कंफ्लिक्ट हो तो वायलेंस हो, वायलेंस हो तो डिसइंटीग्रेशन हो। कुछ लोगों का ये मानना है कि सोशल डिवीजन के साथ पॉलिटिकल डिवीजन, पॉलिटिक्स नहीं ऐड करना चाहिए तो इन डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, कई तरीके के अपने कास्ट होते हैं, कई तरीके के रिलीजन होते हैं, कई तरीके की लैंग्वेज होती है, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस नेचुरल बात है कि सोशल डिवीजन होगा, सोशल डिवीजन होगा। जैसे चाहे तो वो इंडिया हो, चाहे तो बेल्जियम हो, चाहे तो श्रीलंका हो, चाहे जो भी है कंट्री, सोशल डिवीजन होना लगभग लगभग तय है। तो डिफरेंट प्रोमिसेस टू डिफरेंट कम्युनिटी अफेक्ट वोटिंग, क्योंकि वोटिंग के लिए लोग क्या करते हैं, वोटिंग के लिए पार्टीज क्या करती हैं, कोई भी वर्ल्ड की किसी भी पार्टीज को उठा लीजिए, अगर वो धर्म के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर वो अपना वोट मांगते हैं कि हम तो इस लैंग्वेज के हैं, हमें हमारी लैंग्वेज अच्छी है, ये अच्छी है, इसलिए आप हमें वोट दो, या हमारा धर्म अच्छा है इस तरीके से वोट दो, तो इस तरीके से सोशल डिवीजन, पॉलिटिक डिवीजन होते जाते हैं। अब ये थ्री डिटर्मिनेंट है, अब पूरे के चैप्टर का समराइज हुआ, ये बस लास्ट पेज है, तो इसको भी अच्छे से देख लो कि एक पर्सन क्या हुआ, मतलब एक पर्सन है तो उसकी आइडेंटिटी क्या है। उसकी आइडेंटिटी सिंगुलर के बेसिस में ये बोल सकता है, जैसे मैं सिंगुलर हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आई एम ए ह्यूमन बींग, आई एम ए इंडियन, ठीक है ना। और कुछ ये भी हो सकता है, कोई ये बोल सकता है कि अगर मैं सिंगुलर के बेसिस में ना करूँ तो एक्सक्लूसिव, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, या मुस्लिम हूँ, या सिख हूँ, या ईसाई हूँ, या क्रिकेटर हूँ, या ये हूँ, तो किसी भी तरीके से मैं अपने आइडेंटिटी दे सकता हूँ। मतलब ग्रुप की भी आइडेंटिटी होती है, एक ही आइडेंटिटी नहीं होती है, परसीव देयर आइडेंटिटी, कि आपको पहले अपनी आइडेंटिटी पहचानना पड़ेगा। आई एम अ इंडियन, ठीक है, तो आई एम अ स्टूडेंट, या आई एम अ टीचर, तो मेरी आइडेंटिटी ये है। अब मैं इसको सोशल डिवीजन में या डिवीजन में नहीं करना चाहूंगा, तब तक तो सही है, सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव रखें, कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी दूसरी आइडेंटिटी भी हो सकती है, लेकिन वो डिवीजन को क्रिएट ना करे। तो जैसे नॉर्दर्न आइलैंड में आपने एक एग्जांपल लिया था, नॉर्दर्न आइलैंड क्या था कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में, ये दो चीजों में कर दिया कि मैं कैथोलिक हूँ, मैं प्रोटेस्टेंट हूँ, वो दूसरे ने बोला कि मैं प्रोटेस्टेंट हूँ, प्रोटेस्टेंट वो नीचे है या ऊपर है, इस तरीके से चीज करने लगे। नाउ बेल्जियम फील्स कम्फर्टेबल, बेल्जियम को आज की डेट में अच्छा है, लेकिन वही चीज क्योंकि इन्होंने कभी भी, ये पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़े थे कि डच और फ्रेंच जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, उनने अपने आप को कभी भी ऊपर या नीचे नहीं देखा, तो ये आज भी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ था। तो परसीव देयर आइडेंटिटी सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव, तो इस तरीके से अगर आपको रखना हो तो बहुत अच्छा होता है। दूसरा, पॉलिटिकल लीडर फॉर एनी कम्युनिटी, मतलब की डिमांड फॉर एनी कम्युनिटी, मतलब डिमांड उनकी वैलिड होनी चाहिए। जैसे सिन्हालास के लिए बोले थे फॉर देयर आइडेंटिटी, और तमिल और तमिल, और इस तरीके से, तो पॉलिटिकल लीडर्स को भी संभल के आपको डिमांड होनी चाहिए। एक तो अपनी आइडेंटिटी किस तरीके से है वो आपको करना चाहिए पॉलिटिकल लीडर के हिसाब से, एंड हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट फॉर सोशल डिफरेंस, और गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, अगर किसी ने कुछ मांगा, किसी ने अगर देश को ही दो टुकड़ी करने के लिए मांगा, तो गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट कर रही है। गवर्नमेंट का रिएक्शन भी सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उनकी बात मान लें लेकिन उनकी बात सुने भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो उसको रिएक्ट करना, किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, वो चीज़ है। मतलब एक तो आपका हो गया कि आइडेंटिटी आपकी, एक हो गया कि गवर्नमेंट की आइडेंटिटी, कि गवर्नमेंट किस तरीके से फील कर रहा है, तीसरा कि उस डिमांड क्या है पॉलिटिकल पार्टी, एक इंडिविजुअल की वो मतलब कि आपका थिंकिंग, एक पॉलिटिकल लीडर्स की थिंकिंग। पॉलिटिकल लीडर हो सकता है कि वो आपके गवर्नमेंट नहीं हो, पॉलिटिकल लीडर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का भी पॉलिटिकल लीडर हो सकता है। और थर्ड, आपकी गवर्नमेंट होता है जो अभी है, वो उनकी बात माने नहीं माने, सुने नहीं सुने, उस तरीके से। तो ये आपके यहाँ तक पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया 10th क्लास का सिविक्स का, ये आपका चैप्टर।